मैं थोड़ा सा सैड हो गई कि यार मेरा काम ना बहुत कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे काम था, बट कोई बात नहीं, ऑफ है तो क्या। वो तो मेरे ससुराल वाले सब मतलब इतने सपोर्टिव है कि कभी कोई कुछ नहीं कहता कि आ नहीं रहे हो, यहाँ क्यों नहीं रह रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ रहना है, जहाँ तुम कंफर्टेबल हो, जहाँ तुम्हें ये लगता है कि तुम ठीक हो, तुम वहाँ रहो। इसलिए खाना कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है मुझे, राइस के साथ हरी सब्जी का कॉम्बिनेशन इतना पसंद है ना कि मैं इन सबको अवॉइड कर सकती हूँ हरी सब्जी के टाइम। और हमारा ब्रेकफास्ट टाइम बहुत अच्छा इससे कटता था और एक बहुत मतलब अच्छे दिन की शुरुआत होती थी, क्योंकि ये नाटक मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। पीछे देख सकते हो इतना बड़ा सोयाबीन का खेत, और इधर की साइड देख सकते हो ये है धान का खेत, ये वाला है इसमें लगाई है जई। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रीस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। कल चाचा लोगों के यहाँ मड़ाई हुई, मक्का की मड़ाई, पर आज क्या है ना मेरा है ऑफ, तो पहले जाना था ऑफ, मुझे नहीं पता था कि आज ऑफ है। निकी का ग्रुप में मॉर्निंग में मैसेज आया कि आज और कल ऑफ है, बट मैं थोड़ा सा सैड हो गई कि यार मेरा काम ना बहुत कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे काम था, बट कोई बात नहीं, ऑफ है तो क्या कर सकते हैं। मेरा काम भी कंप्लीट नहीं था और मैं अपना सारा सामान ना वहीं छोड़ के आई थी स्टिचिंग क्लास में, तो इसलिए भी अभी मैं एकदम नहा धो के रेडी होके आ चुकी हूँ। 9 बज गया, नाश्ता मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि अब ऑफ था, तो ठीक है आराम से करेंगे करके मैं ऐसे रह गई। फिर मैं अभी 9 बज रहा है, अभी नहा धो के पूजा वगैरह करके आई हूँ और अभी मैं जाती हूँ अंदर। बाहर आई ऐसे टॉवल डालने और थोड़ा आपके साथ चिट चैट करने, फिर अब चलते हैं अंदर की तरफ। नाश्ता बन चुका है, नाश्ता करते हैं कि क्योंकि नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, क्या बोलते हैं। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। आज ना इतने टाइम बाद मैं नाश्ता करते टाइम टीवी पे बैठी हूँ और टीवी देख रही हूँ और उसमें देख रही हूँ भाभी जी घर पे हैं, तो मुझे भट्टी की बड़ी याद आ रही है। क्योंकि याद इसलिए आ रही है, मैं और भट्टी ना हमेशा जब बनारस में साथ में लंच टाइम में और ब्रेकफास्ट टाइम में दोनों साथ में ऐसे खाना खा रहे होते थे ना, पीछे से भाभी जी भी दिख रही है, उनका राजेश मसाला वाला ऐड आ रहा है। तो क्या बोलते हैं, मैं और भट्टी हमेशा ये वाला सीरियल देखते थे, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो रात को तो 11 बजे से आता है, बट दिन में ना मॉर्निंग में ये 8 बजे से स्टार्ट होके दिन में 3 बजे ख़त्म होता है, तो इसलिए लंच टाइम और हमारा ब्रेकफास्ट टाइम बहुत अच्छा इससे कटता था और एक बहुत मतलब अच्छे दिन की शुरुआत होती थी, क्योंकि ये नाटक मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो और आज मैं इतने टाइम बाद ये वाला सीरियल देख रही थी और वो भी नाश्ता करती वक्त, तो मुझे इतनी याद आ रही थी भट्टी की कि हम दोनों हम साथ बैठ के देखते थे और इतनी हंसते थे इसको नाटक को देख के। हर एक एक करेक्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब यू नो उसका अलग ही करेक्टर है, हर इसका किसी का सिमिलर नहीं है। बहुत चीज़ें हैं जो मतलब अच्छी लगती हैं। और बस भट्टी अब छुट्टियाँ हो गए ना, तो हम लोग तब देखेंगे भाभी जी घर पे ना। अभी मैं ये हुक ले ली मैंने और मम्मी का जो ब्लाउज मैंने कल स्टिच किया था, मैं बैठे थे मुझे टीवी देख रही थी, मैं मूवी देख रही थी लाल सिंह चड्ढा, और मैंने आधी से ही देखी, तो मुझे अब बहुत ज़्यादा पूरी उनकी हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है, तो मैं ऑनलाइन सारी उनकी हिस्ट्री निकाल के टोटल पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हौच पौच हो गया है। तो अभी पहले तो फिलहाल मैं मम्मी के ना हुक लगा देती हूँ, फिर काज लगा दूँगी, फिर मेरा काम रह जाएगा तो रह ही जाएगा, इसलिए ये कम्प्लीट करती हूँ और फिर देखती हूँ कैसा लग रहा है मम्मी को ब्लाउज। और मेरे ना ये नए बाल आ रहे जो झड़ रहे थे, ये छोटे छोटे से, इतने गंदे लग रहे हैं ना, ये बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा ऐसे इनकी जैसे सींग जैसी बनी पड़ी है। हे गाइस देखिए आज मेरे लंच की प्लेट में क्या क्या बना है, साथ राइस है, राइस के साथ हरी सब्जी है मेरी फेवरेट, जो मुझे राइस के साथ खाना कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, मुझे राइस के साथ हरी सब्जी का कॉम्बिनेशन इतना पसंद है ना कि मैं इन सबको अवॉइड कर सकती हूँ हरी सब्जी के साथ राइस खाने के लिए। और साथ में है आलू और तुरई की सब्जी, साथ में है कढ़ी जो मम्मी ने बनाई है, एकदम प्लेन कढ़ी बनाई है, इसमें कुछ ऐसी कोई और चीज़ डाली है और एकदम प्लेन, क्योंकि एक तो आज के श्राद्ध चल रहे हैं तो फिर बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो ये देखिए कितना अच्छा मेरे लिए लंच बन के तैयार है, साथ में रखा है सैलड, तो मैं तो चली अपना लंच इंजॉय करने। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि मुझे आज स्टिचिंग क्लास नहीं गई थी, जिस वजह से मुझे गरम गरम खाना खाऊंगी। अभी तो सिर्फ 12 बजे हुआ है, अदरवाइज़ मैं और दिन 1 बजे 1:15 बजे 1:30 बजे तक करती थी, तब तक
फिर वो खाना थोड़ा ठंडा हो जाता है, मुझे पसंद नहीं आता। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये दो कॉम्बिनेशन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मम्मी कह रही है तुझे तो ऐसा हो रहा है कि हरी सब्जी मुझे खाए या फिर मैं हरी सब्जी को खाऊं। मैंने कहा सच में मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस मैं तो चली इंजॉय करने, आप भी करो इंजॉय करने। खाना पीना होने के बाद मैं एकदम फ्री हो गई हूँ, अपने रूम पर आ गई हूँ। रूम पे आने के बाद क्या है ना, कल मेरी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि मैंने कल रात की नहीं थी, मैं थक गई थी। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि मैं थक गई हूँ और आज मैं एडिटिंग नहीं करूँगी, मैं एडिटिंग तो की नहीं। पर उसके बाद अभी सोने से पहले, अभी बज रहा है 1:15, हाँ तो खाना खा लिया था, उसके बाद 1:15 हो रहा है। थोड़ी देर मम्मी के साथ किचन पर गपिया रही थी, फिर आ गई। उसके बाद क्या बोलते हैं, अब रेस्ट करती हूँ, लेटती हूँ आराम से, और उसके बाद मैं वो करती हूँ कल की जो वीडियो है उसको एडिट कर लेती हूँ और उसको अपलोड कर लेती हूँ। तो उससे क्या ही होगा ना, मेरी थोड़ी मदद हेल्प हो जाएगी। फिर रात को अगर टाइम मिलेगा तो फिर आज की वीडियो अपलोड। पता है जब मैं अपने ससुराल पर रहती थी तो वहाँ पर यह होता था कि मैं शाम को ना सोने से पहले अपनी वीडियो एडिट कर ही लेती थी एनी हाउ, क्योंकि दिन भर में मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ कभी बच्चों के साथ कभी कैसे। तो फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ मैं सिलाई में भी दिन भर बिजी हो जाती हूँ, शाम को मैं थक जाती हूँ स्टिचिंग की वजह से। तो इस वजह से मेरी एडिटिंग का टाइम थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है। बट अभी मेरे को मुझे टाइम है, मैं 2 बजे सोती हूँ तो मैं तब तक एडिटिंग कर लेती हूँ, अपलोड कर लेती हूँ। तो गाइज अपना काम भी तो कंप्लीट करना ही है, तभी तो आप सभी को मेरे डेली ब्लॉग देखने को मिलेंगे, है ना। तो मेरे डेली ब्लॉग देखने के लिए देखो मैं आपको कितनी सारी मेहनत करी, तो प्लीज़ उसका थोड़ा सा तो रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। इसीलिए मेरे सारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को खूब से खूब आगे बढ़ाएँ, है ना। तो मैं पहले एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर अपनी बाकी अपडेट शांत क्या हुआ कैसे वो बताती रहूंगी। गुड इवनिंग, तो टाइम शाम का टाइम हो चुका है, इतनी प्यारी प्यारी सी सनलाइट जो मेरे फेस पे पड़ रही है, आप इसे ग्लो समझने की कोशिश ना करें, ये है प्यारी सी सनलाइट। हाँ देखिए जो आ रही है मेरे फेस पे। तो अभी का जो टाइम हुआ है इतना अच्छा टाइम है, इतनी तेज की धूप नहीं लग रही है, 5 बज गए हैं। तो चाची और मम्मी आपको आप मेरे पीछे देख सकते हो कि चाची मम्मी आ रहे हैं, और आज हम प्लान बना रहे हैं कि हम बड़ी ताई के यहाँ जाएँ, अपनी ताई के यहाँ जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम ताई के वहाँ नहीं गए थे, मैं भी जब से आई हूँ ना मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो आज और कल की ऐसे मेरी छुट्टी है। अभी तक तो मैंने और चाची मम्मी ने साथ मिलके इतनी सारी गप्पे मारी, फिर हम तीनों बोर हो गए। फिर हमने कहा कि क्या कुछ अलग किया जाए, तो हम लोग जा रहे हैं ताई के वहाँ और इन्जॉय करते हैं, ताई के वहाँ जाके थोड़ी ताई की गपशप सुनते हैं, क्योंकि ताई हमारी बहुत कॉमेडियन है, वो बहुत हंसाती है, उनके साथ बहुत मज़ा आता है। मम्मी चाची अक्की गप्पन तो खैर अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी बातें करते करते आ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हो इतना बड़ा सोयाबीन का खेत, और इधर की साइड देख सकते हो ये है धान का खेत, ये वाला है इसमें लगाइए जई, जय लगाइए जई जई। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं, अभी चलते हैं ताई के वहाँ आराम से। ताई सकेगी उजा पूनम तो अगछी तो आनी ने ऐसे कहेगी, तो ठीक है अभी बताते हो फिर वहाँ जाके बाकी बातें। आपको पता है मैंने अभी क्या किया, तो हम लोग ऐसे जा रहे थे तो रास्ते में एक घर पड़ता है, बिस्ट अंकल है शायद, हाँ उनका मुझे नहीं पता नाम हो, तो उनके घर में हो रही थी ये वाली बीन्स, और ये मुझे बहुत पसंद है बेहद, मतलब हाँ ये बहुत पसंद है, ये वाली बीन्स हो रखी थी। तो मैंने जाते रहे, उनको आवाज़ मारी अंकल अंकल कर गया, तो वो लोग घर के अंदर थे तो उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि हम लोग उनके घर के बैक साइड से जा रहे थे, फ्रंट साइड से नहीं। लेकिन जब मैं घर को आ रही थी तो वो मुझे दिख गए, मैंने बोल दिया, मैंने कहा अंकल प्लीज ना, क्योंकि उन आपके यहाँ ना इतने सारे सूटे हो रहे, हमको भी दे दो थोड़े से। और ना उन्होंने ना मुझे इतने सारे, ये देखो इतने सारे सूटे भर के दिए हैं, ये मतलब लोबिया सूटा जो भी है, बीन्स वगैरह जो भी कहते हैं भले इनको, मैंने कहते हैं वो, मैं उनसे मांग कर लेके आ गई। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना दे दो, तो कहते बेटा हाँ ले जाओ, क्या बोलते हैं, उन्होंने दे दिए और बोले थे इसे अच्छे से धो देना, कल ना कल ही हमने इसमें दवाई डाली है। मैंने कहा हाँ सब्जी तो धो के काटेंगे, तो पहले ही मैं इसकी सब्जी बनेगी कल मॉर्निंग में, और तो मैं इनको धो धो कर अच्छी तरह से अभी मतलब सूखने के लिए रख देती हूँ, ताकि ना सुबह मतलब इसकी सब्जी वो ड्राई ड्राई सी बने। तो मम्मी के लिए तो भी गजब हो रखी है ना, मैंने कहा हाँ, और मैं ताई के आ गई, मैं कहा ताई कह रही ना मैं ये अरबी खो दी हूँ, मैंने कहा मैं जा रही हूँ घर में रख देना। मम्मी कह रही कब जा रही, तो मम्मी कह रही तो कब जा रही, मैं कहा जब भी जाऊँगी तुम रख देना, मैं कहा मैं बैग पैक कर लेती हूँ क्योंकि अब मैं जाऊँगी घर है, तो मैं सब मेरे लिए कोई कुछ चाची के लिए दिल्ली में ये लहसुन का बीज, मेथी का बीज, इसका बीज, उसका बीज, पता नहीं फलाना ढमकाना 100 तरीके के बीज बता रही थी, थोड़ा थोड़ा सब ले जाना अपने घर में,
वो देना प्लॉट में। मैंने कहा आप रख देना, मैंने बोया तो अच्छी बात है, नहीं बोया तो कोई बात नहीं है। तो मैं लेके आ गई और अब मैं शाम की नहीं सब्जी है उसको कट करने की तैयारी करती हूँ। अभी टाइम सिर्फ 5:15 हुआ है, बट करती हूँ तैयारी मम्मी पापा के आने से पहले, सब्जी तो काट सकती हूँ। अभी स्टार्ट होती है मोमो पार्टी, जो मेरे लिए भैया लेके आया है। उससे मैंने बोला था कि मेरे लिए मोमोज लेके आना, तो वो लेके आया। उससे बस कहने की देर होती कि ये ले आना, वो तुरंत ले आता है। तो टेस्टी टेस्टी से मोमो मैं इंजॉय करती हूँ और मम्मी के साथ करूँगी, क्योंकि मम्मी को भी मोमो पसंद है। पता नहीं, मुझे वैसे पता नहीं है मम्मी खाएगी या नहीं खाएगी, देखती हूँ। ये क्योंकि है तो वैसे वेज हमारे, बट मैं तो इंजॉय कर ही लेती हूँ। डिनर डन हो चुका है, खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई हूँ सोने के लिए। पहले सबसे पहले मैं ये लैपटॉप को चार्ज से हटाऊंगी, क्योंकि ये बहुत देर से लगा और फुल चार्ज हो चुका है। तो इसे हटाने के बाद मैं थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी मम्मी ना एक स्पेशल सी चीज़ बना के आए हैं। अब मुझे घर जाने का टाइम है ना, तो मेरे को तो मम्मी मेरे लिए धीरे धीरे सारी पैकिंग कर रही है, जो जो सामान उसको मेरे लिए रखना है रख रही है। मतलब अभी से मेरे बैग वस ने भरने बंद स्टार्ट कर दिया। मुझे बुरा भी लग रहा है, क्योंकि ना एक दिन के लिए आती थी तो जब भज्जी के साथ हो तब बुरा नहीं लगता था, पर जब बहुत दिनों के बाद रहो फिर मायके जाओ उससे ससुराल जाते ना तो बहुत बुरा लगता है, तो अच्छा भी नहीं लगता। बट ससुराल तो जाना पड़ता है ना, इसीलिए तो शादी की है कि शादी के बाद तो ससुराल ही घर होता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हारी फैमिली है, ये फैमिली है। पर फिर ना प्रायोरिटी शायद उस फैमिली में ज़्यादा हो जाती है, तुम उस परिवार के ज़्यादा हो जाते हो, तो तुम्हें वहाँ का भी सब कुछ देखना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, वो तो मेरे ससुराल वाले सब मतलब इतने सपोर्टिव है कि कभी कोई कुछ नहीं कहता कि आ नहीं रहे हो, यहाँ क्यों नहीं रह रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ रहना है, जहाँ तुम कम्फर्टेबल हो, जहाँ तुम्हें ये लगता है कि तुम ठीक हो, तुम वहाँ रहो। इसलिए मुझे कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि भरजी यहाँ नहीं है तो फिर वो सब लोग सोचते हैं कि यार ये अकेले यहाँ बोर होगी, अकेले फील अच्छा नहीं करेगी, सच अपनी फैमिली में रहेगी वहाँ, तो ये जहाँ मतलब इसको अच्छा लगे। तो वो ये नहीं है कि यहाँ रहना है या फिर वहाँ रहना है, इट्स मतलब इट्स ऑल अप टू मी। तो मतलब ये चीज़ एक पॉजिटिव थिंग है जो मेरे ससुराल की साइड से मेरे लिए है, कि वो लोग मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ऐसे फोर्स नहीं करते कि आओ आओ, इतने दिन से मायके में रुकी हो, क्या है, घर क्यों नहीं आ रही हो, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं है। तो अब गाइस थोड़े दिन बाद जाना ही है ससुराल, तो इसीलिए मम्मी धीरे धीरे सारा सामान पैक कर रही है। बट कोई बात नहीं, फिर अब दिवाली पे आऊँगी भैया दूज पे, अभी तो जाते हैं, फिर भैया दूज पे आएंगे और फिर मिलते हैं। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप गाइस आप सभी को हमारे सारे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते होंगे, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आप मेरे ससुराल को मिस कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या आप भी मेरे ससुराल वालों को मिस कर रहे हो, क्योंकि आजकल तो आपको मेरे वीडियोज़ में मेरे मायके वाले दिख रहे हैं, तो क्या आप लोग मेरे मायके वालों से ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हो या फिर आपको मेरे ससुराल वालों को देखना है, तो ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे ससुराल वालों की भी याद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द ससुराल जाऊँ और उन लोगों को वीडियो मिलूँ, तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।